भैया रास्ते का ऊपर था यार। बस रुक गए हम थोड़ा फिर से। नज़ारा इतना मस्त मस्त है ना बॉस, चलने का मन ही नहीं कर रहा। अगर मेरा टेंट वाला गाड़ी होता ना, कसम से मैं खड़ा कर देता। और हमको जाना है, ये देखिए मेरा गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और हमको जाना है ये रास्ता पे। गजब 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 है बॉस, मस्ट विजिट उत्तराखंड। आपका व्यू है बॉस, यह व्यू तो कहीं नहीं मिलेगा। रुकते रुकते हर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, शाम हो जाएगा पहुंचने, बट क्या करें, नज़ारा रुकवा देता है। पूरा स्पीति वाला वे लिए व्यू मस्त है। और मुर्को पूछो तो गांव का पीछे में गिरा हूं यार, कहां से अपना एक घर होता वहां। गाँव है, बादल है इसलिए प्रॉपरली व्यू नहीं हो रहा, बट ब्यूटीफुल प्लेस। अभी आया थोड़ा धूप, देखते हैं गाँव आ रहा कि नहीं। वहाँ पे है गाँव, काफ़ी मस्त व्यू है। जाने का मन नहीं कर रहा बट जाना तो पड़ेगा, सॉलिड व्यू है बॉस। काफ़ी जाम चल रहा है, एक्चुअली संडे है ना, और नीचे से वीकेंड मनाने आते हैं यहाँ पे। फ्राइडे को, फ्राइडे शाम को आते हैं, सैटरडे रहते हैं और संडे इस टाइम में चल जाते हैं, इसीलिए काफ़ी जाम रहता है सैटरडे एंड संडे। वहाँ से अगर आ रहे हो आप फ्राइडे को तो जाम मिलेगा आपको। जैसे हम लोग आए तो ऋषिकेश में काफ़ी देरी फंस गए थे, फिर बाद में पता चला कि वीकेंड जाम है ये, क्योंकि जितना हरिद्वार हो गया,
हल्द्वानी हो गया, देहरादून हो गया, यहाँ का आदमी लोग ना जहाँ छुट्टी मिलता है तो लोग पहाड़ में भाग आते हैं। और उस फ्राइडे सैटरडे संडे को रूम का प्राइस भी बहुत हाई रहता है। हालांकि आज तो मुझे रूम मिल गया, खाली पता करना है जाके कल हरसिल से हम गंगोत्री कैसे जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ठंडा महसूस होने लगा है, बट इतना भी ठंडा नहीं कि स्वेटर पहने का मेरा जैकेट के अंदर जो सेकंड लेयर है उसको चढ़ाऊं। अच्छा लग रहा है, चिल्ड मौसम। जब यहाँ से रिटर्न होएंगे ना बॉस, तब पता चलेगा गर्मी क्या होता है। अभी तो गर्मी का एहसास ही नहीं।
खोलने बाहर को टाने ही टाने उसी गाड़ी। क्या काजी बाबू? हर्षिल हर्षिल के लिए, हर्षिल के लिए है ना? थैंक यू। खुचरा पैसा अच्छे ना रे भाई, पैसा थोड़ा हवा चेक। ओ है नदी और पहाड़ी और नदी देखिए। हेलो